आज विश्व वन्य जीवन दिवस है। इस मौके पर बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भागलपुर में भी वन विभाग इस मौके को खास रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। वन विभाग आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला में 7 जगह से आए प्रशिक्षक और वन्य प्रेमी के साथ अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम है आपका जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये आपका जो भी गंगा पे आश्रित लोग हैं, डॉल्फिन मित्र हैं, फिर मछुआरा समुदाय हैं, तो गंगा को कैसे हम उसकी अविरलता, उसके अस्तित्व को कायम रखें। सिर्फ गंगा पानी के लिए नहीं है, उसमें जो जलीय जीव है उसका भी उतना ही जरूरी है जितना कि गंगा के पानी का। वही जलीय जीव पे 3 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है। पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीत के मुताबिक सालों भर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वे काम करते हैं, लेकिन आज खास दिन है, इसलिए आज मछुआरा जनता और अधिकारी सभी लोगों की बैठक की गई है। इस दौरान एक दूसरे के कार्यों को समझने की कोशिश की गई है। डॉक्टर संजीत बताते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका दोहन करने से बचना होगा, तभी धरती संतुलित रहेगी। इसमें दूसरे बहुत सारे डिवीजन के लोग, वन प्रमंडल के वनरक्षी आए हुए हैं, हम लोग के यहाँ के भी हैं और कुछ मेरे यहाँ के डॉल्फिन मित्र हैं, कुछ मछुआरे हैं। तो ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इससे क्या होगा, ये लोग फिर जा करके अपने समुदाय में, अपने सर्किल में अवेयरनेस, जागरूकता करेंगे। सबको तो हम एक बार नहीं कर सकते। नहीं, डॉक्टर संजीत के मुताबिक डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन उसका भी शिकार हो रहा है, जिससे चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इसका वही है, ट्रेन द ट्रेनर, जो आगे चल के ट्रेनिंग देगा, समुदाय में बोलेगा अपना भाषा में, तो उसी को लेकर ट्रेनिंग चल रहा है। यहाँ पे जलीय जीव का जो भी है, जलीय जीव का संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें, किसका क्या योग है, क्या महत्व है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि इस दिवस को मनाने के बाद लोग इसके औचित्य को ही भूल जाते हैं। ठीक 1 साल बाद लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, लेकिन अगर हमें धरती को सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और प्राकृतिक संतुलन के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।